हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, ठीक है? राइट, हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर क्या किया, कंप्लीट कर लिया। सारा पार्ट्स हम लोगों ने क्या किया, उसको पढ़ा पार्ट वाइज करके, ठीक है ना? और होप आप लोगों को समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा, ठीक है? तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग जो है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो जनरली जो ये चैप्टर होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक है? टेंथ में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ने हैं इससे रिलेटेड, सिर्फ क्या पढ़ना है आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो इससे रिलेटेड सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आता है, जो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स के, ठीक है ना? तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है 2019 का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का है, ठीक है ना? तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्ट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है? इसमें क्या कर रहा है, वो क्या निकालने बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने बोल रहा है, किसके लिए, स्ट्रेट वायर के लिए। तो याद होगा आप लोगों को, स्ट्रेट वायर हम लोगों ने पढ़ा है कि एक स्ट्रेट वायर होता था, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इसको कनेक्ट कर देते थे बैटरी से इस तरह से, है ना? और उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पे हम एक कार्डबोर्ड लगा देते थे, याद होगा, है ना? और कार्डबोर्ड लगाने के बाद जब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होता था तो यहाँ पे क्या होता था, जो आयरन फिलिंग्स था वो क्या होता था, सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाता था इस तरह से, ठीक है ना? और इसी से हम लोग क्या पता करते थे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करते थे। और डायरेक्शन पता करने के लिए कौन सा लॉ लगाते थे हम लोग, याद होगा ना, राइट हैंड थंब रूल, इस तरह से करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग पता करते थे, एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, समझ में आ रही है बात? तो आपको इसमें यही करना है, ठीक है? जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो आपको निकालना है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्शन आपको फाइंड कर देना है, ठीक है ना? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है। और फिर भी अगर ये क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट अगर आपको हो तो हमारे वेबसाइट के PDF में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक मोटर का लेबल डायग्राम बनाना है। तो इलेक्ट्रिक मोटर भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया, प्रीवियस सेशन बताया कैसा होता है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना? तो यहाँ पे जस्ट क्या करना है, उसका सिर्फ डायग्राम बना के आपको दिखाना है, वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल के बारे में वो बात नहीं कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड नथिंग, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन कितना था, ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। इसमें क्या है कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये क्या है, इसमें आपको फिगर वगैरह बना के इसको क्या करना है, आपको डेराइव करके दिखाना है, तो इसीलिए ये 3 मार्क्स का होगा। और इसके नीचे वाला क्या है, जस्ट आपको फिगर बना देना है मोटर का, है ना? तो फिगर तो आप लोग बना ही लेंगे, मोटर का इजी है, तो फिगर बना लेंगे, 2 मार्क्स मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कब का था, 2019 का था, 5 मार्क्स, ठीक है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है? बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, बात करते हैं ये क्वेश्चन भी कब का है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2019 का ही क्वेश्चन है, ठीक है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, एक अलग सेट का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इसके पहले वाला था वो सेट 1 का था, और ये क्या है, सेट 2 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी घुमा फिरा के अगर मैं देखूँ तो सेम बात पूछ रहा है, वो क्या बोल रहा है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है? करंट कैरिंग कैसा स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें आपको क्या बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का पैटर्न बनाना है, पहला काम तो ये करना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम लोग सर्किट बनाएंगे, कार्डबोर्ड बनाएंगे, याद होगा उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डालते थे तो सर्कुलर में वो अरेंज हो जाता था, तो वही फिगर हम लोग को यहाँ पे बना के दिखा देना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है? फिर वो क्या बोल रहा है कि पासिंग परपेंडिकुलर द हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड, ठीक है? कार्डबोर्ड लगा के वहाँ पे शो करना होता है, याद होगा, ठीक है? फिर वो बोल रहा है कि स्ट्रेट एंड अप्लाई राइट हैंड थंब रूल टू मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब वो क्या बोल रहा है कि स्ट्रेट करना है कि क्या होता है राइट हैंड थंब रूल। तो क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, कि जो डायरेक्शन ऑफ थंब होता है वो मुझे क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द 4 फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आइदर एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज, राइट? तो यही चीज मुझे लिखना है कि क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल को मुझे लिखना है, और उसके बाद बताना है कि राइट हैंड थंब रूल से हम लोग किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है ना? मतलब राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन कर देना है, है ना? उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि नाउ हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज व्हेन द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड इज मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर। अब क्या बोल रहे हैं कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है उस पॉइंट से, ठीक है, कैसे डिफर करेगा अगर हम उस पॉइंट से दूर जाते आते हैं, तो
वही चीज़ बोल रहा है ना। तो याद होगा आप लोगों को, कंडक्टर से हम जैसे जैसे दूर जाते आते थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होते आता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी दूर होते आता था। मतलब क्या इसका, कि जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाते आते हैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होते आता, कम होते आता है, ठीक है ना। यही था ना, इस तरह से हम लोगों ने बनाया था, इस तरह से कनेक्ट किया था, याद होगा। बैटरी लगाया, उसके बाद लगाने के बाद करंट को पास किया, करंट ऐसे पास हो रहा था, हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड लगाया था, ठीक है। कार्डबोर्ड लगाने के बाद क्या हुआ, इसका सर्कुलर मुझे मिलता था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। और जैसे जैसे मैं इससे दूर जाते आता, ये क्या है, यही तो कंडक्टर है ना। तो जैसे जैसे मैं कंडक्टिंग वायर से दूर होते जा रहा था तो मेरा सर्कल भी क्या होते आता था, इस तरह से दूर होते जाता था, याद होगा, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे लिखना है कि जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जाता जाऊँगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, उसका स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। यही चीज़ है और यही क्वेश्चन है, कितना नंबर का, 5 मार्क्स का। तो इस क्वेश्चन को इसने अलग अलग टाइप में डिवाइड किया। सबसे पहले आपको क्या करना है, पैटर्न लिखना है, ड्रॉ करना है उसका पैटर्न, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, स्टेट एंड अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके बताना है कैसे अप्लाई करते हैं। और लास्ट पार्ट में मुझे क्या करना है, ये डिस्क्राइब करना है कि जैसे जैसे मैं कंडक्टर से दूर जाता जाऊँगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ये बात थी सेकंड नंबर क्वेश्चन की, 2019 5 मार्क्स, ठीक है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये क्या बोल रहा है, ये सोलेनोइड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है वो, कि व्हाट इज सोलेनोइड, क्या होता है सोलेनोइड बताइए। जब हम लोग क्या करते थे, किसी कॉपर वायर को या फिर किसी इंसुलेटर वायर को हम लोग क्या करते थे, वाइंडिंग कर देते थे, ठीक है ना, लपेट के वाइंडिंग कर देते इस तरह से। अगर किसी कॉपर वायर को मैंने लिया और मैंने इसको वाइंड कर दिया, और वाइंड करने के बाद क्या किया, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो जो इसमें जब करंट सप्लाई होता था तो इसके कारण क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता था। यही ना सोलेनोइड, ठीक है। तो सोलेनोइड के बारे में आप लोग को उसको डिफाइन करना है क्या होता है सोलेनोइड, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा हो तो PDF में जाएं, वहां पे मैंने सोलेनोइड का डिफाइन करके रखा हुआ है, राइट, ठीक है। तो व्हाट इज सोलेनोइड आपको लिख देना है, कि सोलेनोइड क्या होता है सबसे पहले, है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ द पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ कंडक्ट करंट कैरिंग सोलेनोइड एंड ए बार मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, एक सोलेनोइड में कैसा होगा और एक मैग्नेट में कैसा होगा, ये मुझे दिखाना है। तो सोलेनोइड में कैसा होता था मैग्नेटिक फील्ड लाइन, याद होगा, एक एंड से निकलता था, दूसरे एंड में इंटर करता था, इस तरह से, ऐसे ही था ना, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता था, इनसाइड द सोलेनोइड क्या होता था, यूनिफॉर्म होता था, बताया था मैंने आप लोगों को। तो ये आपको फिगर बनाना है सोलेनोइड का, और वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा देना है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपको मैग्नेट बनाना है, बार मैग्नेट बनाना है और उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता ही होगा, बार मैग्नेट में कैसे दिखाता था मैं, नॉर्थ एंड था, ये साउथ एंड था, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ करंट ऐसे जाता था, एक एंड से निकलता दूसरे एंड में आता था, याद होगा, है ना, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होता था, साउथ टू नॉर्थ जाता था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे यही करना है कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ करंट कैरिंग सोलेनोइड एंड इन अ बार मैग्नेट, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट में करना है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, लिस्ट टू डिस्टिंग्विश्ड फीचर बिटवीन टू फील्ड्स, और इसमें फिर और क्या बोल रहा है, कि जो बार मैग्नेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसका फीचर बताना है आपको, और जो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है उसका फीचर बताना है, ठीक है। लेकिन दोनों फीचर क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो जैसे सपोज मैं बोल सकता हूँ कि सोलेनोइड में क्या होता है, सोलेनोइड से हम लोग क्या बनाते हैं, सोलेनोइड से हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, लेकिन बार मैग्नेट क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, कि सोलेनोइड के अंदर, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म एंड स्ट्रेट, याद होगा, है ना। लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेट के अंदर जो होता है इनसाइड में लाइंस क्या होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होते, ठीक है। ये दूसरा एक डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं, समझ में आई बात। तो इस तरह से हमने टू डिफरेंस इसका बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन था 2018 का, ठीक है, ये क्वेश्चन, सॉरी 2019 का ही क्वेश्चन है ये भी, और ये भी क्या है, 5 मार्क्स, ठीक है ना, 2019 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें भी डिवाइड किया हुआ है, सबसे पहले पहला पार्ट है सोलेनोइड क्या होता है, पार्ट वाइज आंसर लिखने से क्या होता है, इजी हम लोग को पढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, व्हाट इज सोलेनोइड, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस दोनों का पैटर्न दिखा देना अलग अलग, है ना। और उसके बाद क्या करना है मुझे, फीचर्स लिख देने हैं इन दोनों के,
हो जाएगा, इजी है, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो वेबसाइट में आए, वेबसाइट के पीडीएफ में मैंने सारे आंसर्स दिए हुए हैं इसके, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो क्या बोल रहा है कि स्टेट्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तीन पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 मार्क्स का, राइट। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को बताना है आपको। तो क्या होता था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यही होता था ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किससे रिलेटेड था, फोर्स से रिलेटेड था, याद होगा, ठीक है। आप लोगों को मैंने प्रीवियस सेशन में बताया क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 फिंगर को स्ट्रेच करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड देता है, एक करंट देता है, और दूसरा क्या देता है, दूसरा क्या देता था, फोर्स या मोशन देता था, याद होगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में लिख देना है आप लोग। नेक्स्ट वो बोल रहा है क्या कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता था, किस प्रिंसिपल पे काम करता था, करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड, इसी पे काम करता था ना, याद होगा ना। तो उसका प्रिंसिपल मुझे लिख देना इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है, लिख लेंगे, इजी है। फिर बोल रहा है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द मोटर। अब कुछ मोटर के पार्ट्स हैं, हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, मोटर के पार्ट्स होते हैं क्या क्या होते थे, आर्मेचर, स्लिप रिंग, कार्बन ब्रशेस, है ना, उसके बाद बैटरी, उसके बाद 2 मैग्नेट्स, ये सब सारे क्या थे, इलेक्ट्रिक मोटर के पार्ट्स थे। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि आर्मेचर के बारे में आपको लिखना है कि आर्मेचर का काम क्या होता है, आर्मेचर में क्या होता है, वाइंडिंग करके रखते हैं हम लोग वायर को, राइट, और वहीं क्या होता है, आर्मेचर रोटेट करता है, ठीक है ना। तो आर्मेचर का काम क्या होता है, उसमें वायर क्या किया होता है, वाइंडिंग किया हुआ होता है, ठीक है ना, और आर्मेचर का काम होता है रोटेट करना। दूसरा क्या होता है, ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस, याद है कार्बन ब्रशेस का काम क्या होता था, स्प्लिट रिंग को फिक्स करना, ठीक है। स्प्लिट रिंग को कार्बन ब्रश क्या करता था, टाइटली प्रेस करके रखता था, उसको फिक्स करके रखता था, ये भी याद होगा। उसके बाद थर्ड वो बोल रहे हैं क्या, स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग का काम क्या होता था, स्प्लिट रिंग वर्क एज ए कम्यूटेटर, ये हम लोगों ने पढ़ा है। स्प्लिट रिंग क्या होता है, कम्यूटेटर होता है, मतलब कि वो करंट को रिवर्स करता है, ठीक है, इसका काम होता है करंट को रिवर्स करना। तो इस तरह से ये 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन है, और ये भी कितना है, 5 मार्क्स का, 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, राइट, 2017 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से हम लोग थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स जो आते हैं, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या है, कुछ क्वेश्चंस है, 5-10 क्वेश्चन से डिवाइड है, जिससे जनरली क्वेश्चंस क्या होता है, पूछे जाते हैं। तो अगर ये टॉपिक्स कवर आप लोग कर लेंगे तो होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों, होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए वो आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से PDF डाउनलोड करें। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।